गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास एक सिख रहते थे, उसका नाम था धनैया। गणेश बोले कि धनैया तो मेरे यहाँ पर अभी विधर्मियों से युद्ध करना होता है, तुमको तलवार चलाने के लिए आता है? बोले नहीं गुरुदेव, तलवार चलाने के लिए नहीं आता है, मैं युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र भाला फरसा तीर पहले तो यही सब चलता था। बोले नहीं गुरुदेव, ये सब नहीं आता है, तो तू यहाँ रह करके क्या करेगा? बोले गुरुदेव, योद्धा युद्ध करेगा और उसको प्यास लगेगी तो मैं वहां पर पानी पिलाऊंगा। बोले चा बस, पीठ ठोक दिया, तो सेवक के लायक है तो सेवा करना, जो प्यासा होगा उसको तो पानी पिलाना, जो पानी मांगेगा उसको पानी देना। तो योद्धा युद्ध करते थे, इधर सिखों की सेना होती थी, उधर मुसलमानों की सेना होती थी, विधर्मियों की सेना होती थी, युद्ध करते थे। और युद्ध करते करते युद्ध में गिर जाते थे, चोट खा करके, पानी पानी करके तो उसको पानी पिलाते थे, केवल पानी पिलाते जाते थे। इतना तक क्या करता था कि वो दुश्मनों का भी, दुश्मनों की सेना भी गिर जाती थी उसको भी पानी पिलाता था, अपने अपने पक्ष वाले को तो पानी पिलाते थे, दूसरे को भी पानी पिलाते थे। तो यह शिकायत कर दिए गुरु गोविंद सिंह के पास कि घनैया अपने पक्ष वाले को तो पानी पिलाता ही है, लेकिन ये कैसा भोला है कि दुश्मनों को भी पानी पिला देता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बुलाते हैं घनैया को, घनैया तो दुश्मनों को भी पानी पिलाता है? बोले नहीं गुरुदेव, मैं दुश्मनों को पानी नहीं पिलाता हूं। अरे जो युद्ध करते करते गिर गया, वो गिर गया तो गिरा हुआ है, तो दुश्मन तो रहा नहीं, दुश्मन तब होता है युद्ध जब करता है, और वह पानी प्यासा है, मैं प्यासा को पानी पिलाता हूं। दुश्मन कौन है, अब मित्र कौन है, हमको पते नहीं, मैं तो देखता हूं प्यासा को, केवल देखता हूं प्यासा को मैं पानी पिलाता हूं। गुरुदेव, मैं दुश्मनों को पानी नहीं पिलाता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और पीठ ठोक दिए, बोले कि जो गिर जाएगा ना उसको तो मलहम पट्टी भी करना, जाओ तुम एक दिन तुम्हारी ऐसी भावना हो गई, अपने पराये का भाव छोड़ करके तू सेवा करता है, तो इस सेवा से तू इतना पवित्र हो जाएगा, तू भजन करेगा तो तुम्हारी साधना तुरंत पूरी हो जाएगी। और उसको ऐसा हुआ भी, बहुत जल्दी भजन करके, क्योंकि उसके अंदर में काम क्रोध तो है नहीं, लोभ तो है नहीं, ईर्ष्या तो है नहीं, समस्त की दशा में रह करके वो सेवा कर रहे हैं।